तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहां से परीक्षाओं में से आपसे पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी आपको कैसे कर लेनी चाहिए। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देख लिया तो आप ये समझिएगा कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर में आने वाले सभी उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक जब देखेंगे ताकि दोस्तों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चंस दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी आपको कैसे कर लेनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखना होगा, तभी जाके आपको दोस्तों पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आएगा, अन्यथा दोस्तों यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में कैसे आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी आपको कैसे कर लेनी चाहिए। तो देखिएगा, आप पूरी तरह से यहाँ से उसको देख सकते हो, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो बिल्कुल आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा जैसा कि दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखेंगे ताकि दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके उत्तर भी आपको समझ में आ सके। तो देखिएगा दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा कक्षा 12वीं का, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय का, इसके लिए पूर्णांक होगा दोस्तों आपका 80 अंकों का और समय मिलेगा दोस्तों आपको 2.5 घंटे का। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रकार के निर्देश आपको दोस्तों इस जगह से पढ़ लेने हैं और दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन की पेपर की शुरुआत होती है। तो देखिएगा दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रबंध का पहला कार्य है। तो देखिएगा दोस्तों, प्रबंध का पहला कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा नियोजन। नियोजन दोस्तों प्रबंध का पहला कार्य होता है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, अनौपचारिक संगठन का दोष है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा गया है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अस्थायी व अस्पष्ट। अनौपचारिक संगठन जो होते हैं ना दोस्तों, वो अस्थायी होते हैं और अस्पष्ट होते हैं, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है ना, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, भर्ती पदोन्नति चयन। तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है, ऋण पत्र, समता अंश, पूंजी, पूर्वाधिकार अंश, प्रतिधारित उपार्जन। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा गया है ना, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 2 नंबर का आ जाएगा, समता अंश पूंजी। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा क्या दिया गया है, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों मुद्रा बाजार का नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। तो चलिएगा दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है। देखिएगा दोस्तों, पैकेजिंग का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ से आपको ये बताना है, सुरक्षा, सुविधा, विज्ञापन, उपरोक्त सभी। तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। और उसी के अलावा दोस्तों आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा गया है, आप लोग दोस्तों इसका उत्तर देख सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यवसाय प्रबंध का नौकर है। प्रबंध किसका नौकर है दोस्तों, व्यवसाय का नौकर है। आप लोग इसको यहाँ से देख लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, नियोजन प्रबंध का कैसा कार्य है दोस्तों। तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, इस जगह से आप लोग नोट कर लेंगे, कैसा दोस्तों, प्राथमिक, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, भरारपण सदैव की ओर किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, नीचे की ओर किया जाता है, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है, भरारपण सदैव नीचे की ओर किया जाता है। इसी के अलावा अगला क्वेश्चन, वेतन में कटौती एक प्रकार का अभिप्रेरण है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है ना, इसमें आपको लिख लेना नकारात्मक, नकारात्मक।
कैसा अभिप्रेरण है दोस्तों? नकारात्मक अभिप्रेरण है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, नियंत्रण एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा है ना दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? नियंत्रण है सतत प्रक्रिया है। कैसी दोस्तों? सतत प्रक्रिया है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, समता अंशधारियों को कंपनी में का अधिकार होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है ना, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा मतदान। मतदान का अधिकार होता है दोस्तों इनको। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, जहाँ दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वह कहलाता है। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों पूंजी बाजार। कैसा बाजार कहलाता है दोस्तों? ये पूंजी बाजार। तो आप इस जगह से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, यहाँ से आपको सत्य सत्य देखने को मिलेगा। तो देखिएगा आप जल्दी से दोस्तों सत्य सत्य को नोट कर लेंगे इस जगह से। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में से पूछे जाएंगे, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और तैयार कर लें। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित होते हैं। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है ना, ये आपका पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। और उसी के अलावा नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती है। तो देखिएगा दोस्तों ये आपका असत्य हो जाएगा। इसी के अलावा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों ये आपका सत्य हो जाएगा। इसी के अलावा पाँचवा क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से आपको सत्य असत्य पूरे लगा लेने हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, सही जोड़ियाँ यहाँ से आपसे पूछी जाएगी। तो देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, इसकी जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है। और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको इससे कर लेना है। और तीसरे नंबर की जो जोड़ी दी गई है दोस्तों, इसका मिलान दोस्तों आपका द नंबर से हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसकी जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको रा से कर लेना है। और पाँचवें नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको सा से कर लेना है। और दोस्तों छठे नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको बा से कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग पूरा का पूरा जोड़ी मिलान कंप्लीट कर लें। और उसी के अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपसे इस जगह से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो देखिएगा दोस्तों नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी, 1991 ईस्वी में। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो देखिएगा दोस्तों चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है कार्य पर नियुक्ति। कार्य पर नियुक्ति, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना क्या कहलाता है? तो देखिएगा दोस्तों इसको कहते हैं संप्रेषण। क्या कहा जाता है इसको? संप्रेषण। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो देखिएगा दोस्तों स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है दोस्तों अंश पूंजी। कौन सा दोस्तों? अंश पूंजी। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमों से होता है? तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्राथमिक पूंजी से। कैसा बाजार होता है दोस्तों ये? प्राथमिक पूंजी बाजार। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा क्रेता व विक्रेताओं के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क किस श्रेणी में आता है? तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय के संबंध में ये सही हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता संरक्षण हेतु क्या व्यवस्था की गई है? तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। कितने स्तर की? त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों देखिएगा हमारे द्वारा यहाँ पर आपके जो अभी तक 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इन सभी के उत्तर दोस्तों यहाँ पर दिखा दिए गए हैं आपके कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय के। आप सभी लोग दोस्तों इसको इतना तैयार कर लें। इसके अलावा दोस्तों आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन आएंगे, उन सभी का सॉल्यूशन दोस्तों अभी हमारे द्वारा तैयार किया जा रहा है। तब तक आप लोग दोस्तों इंतजार जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे द्वारा जैसे ही तैयार कर लिया जाएगा, आपको दोस्तों वो क्वेश्चन भी दिखाए जाएंगे, वो भी जल्दी आपको दोस्तों उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा। तब तक दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें और दोस्तों उस वीडियो को इंतजार जरूर करें। इस वीडियो का दोस्तों आपको पार्ट 2 जल्द ही मिल जाएगा। उसमें दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 23 तक के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर बताए हैं। तो इसलिए आप दोस्तों इस वीडियो को देखकर जाना ना भूले परीक्षा देने से पहले। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।